धर्मशाला के साथ लगते गांव खनियारा में शुक्रवार अचानक तेज वर्षा के बीच घुल्लू नाले में पानी का तेज बहाव आ गया। इससे लोगों के घरों में पानी घुस गया और सामान सड़क पर बहने लगा। माना जा रहा है कि स्थानीय क्षेत्र की ऊपरी पहाड़ी पर बादल फटने के कारण घुल्लू नाले में ज्यादा पानी आने से जहां नाले का बहाव इतना तेज था कि मलबा नाग मंदिर सड़क और मुख्य सड़क से होता हुआ लोगों के घरों व दुकानों में जा घुसा और बड़े बड़े पत्थर भी सड़क तक आ पहुंचे। स्थानीय लोगों ने प्रशासन को सूचना दी तो वहीं प्रशासन की तरफ से राहत बचाव की टीम को भेज दिया गया है। जिलाधीश कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि टीम को मौके पर भेज दिया गया है। आज दोपहर में बताया जा रहा है कि हम मूसलाधार बारिश हो रही थी और एकदम से नाले में पानी का बहाव बढ़ गया और पानी इतना ज्यादा बढ़ा कि इसके साथ जो है वो मलबा भी काफी मात्रा में यहाँ पर आया और साथ में चट्टाने और दूसरा जो मलबा था ऐसे दुकानों में आकर घुस गया कि जिससे काफी संपत्तियों को नुकसान हुआ। गरीब लोग यहाँ पर अपनी दुकानदारी करते हैं और दिहाड़ी करके अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, लेकिन आज बहुत नुकसान हुआ है। प्रशासन से यही हमारा निवेदन है कि जो लोग यहाँ जिन लोगों का नुकसान हुआ उन सब की नुकसान का जो है भरपाई की जाए, उनको मुआवजा दिया जाए ताकि वो अपना गुजर बसर चला सके। यहाँ पे 3-4 दुकानें थी, एक रेनसेट था, साथ में एक दुकान का तो नामो 2-3 दुकानों का तो नामो निशान ही मिट चुका है। बहुत से लोगों को नुकसान हुआ, लेकिन सुख सिर्फ इतना सा है कि अभी तक ये बताया जा रहा है कि कोई जान के नुकसान नहीं हुआ है। बहुत नुकसान हुआ सर, यहाँ पे बादल फटने की सूचना मिली थी 2:53 का, तो यहाँ पे लोगों की दुकानें बह गई हैं, घर बह गए हैं लोगों के, बहुत नुकसान हुआ है और पेड़ बकरियाँ जो है वो दब गई हैं। और अगर बात करिए मुख्य पुल है घुल्लू पुल जो है और इंद्रनाग मंदिर जो है, यहाँ पर भी कुछ दुकानें बही हैं। इंद्रनाग मंदिर के पास जो दुकानें थी वो तो बह गई हैं, वो तो नीचे चली गई हैं, वो तो दिख भी नहीं रही पानी में। बहुत नुकसान हुआ है यहाँ पे और लोगों के घरों को भी मलबा गया है या पानी चला गया। लोगों के घर में पानी चला गया, पत्थर चले गए हैं लोगों के और लोगों ने घर अपने जो है वो खाली कर दिए। तो जानमाल का नुकसान तो नहीं हुआ अभी तक, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन बाद में पता लग जाएगा कि हुआ क्या है।